नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीएस के। आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स की सीधे बात। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने मणिकर्णिका के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है बिटवीन कंगना रनावत एंड डायरेक्टर क्रिश, इसके ऊपर एक वीडियो डाला था जहां पर कि मुझे आपने बहुत सपोर्ट किया, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए मुझे। इक्का दुक्का नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, इक्का दुक्का मैसेजेस भी आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पर डीएस के टॉक्स के पेज पे, जहां पर कि मुझे ये कहा गया था, भाई एक डायरेक्टर और राइटर की मेहनत को कंगना रनावत हाईजेक करके चली गई। कंगना रनावत जो है वो फुटेज सीकिंग लेडी है, शी इज हार्ड कोर अपॉर्चुनिस्टिक लेडी, एंड जो फुटेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी का भी क्रेडिट ले सकती है। तो क्या डीएसके भाई, आपको नहीं लग रहा कि आप जो बोले पिछले वीडियो में वो आपने गलत बोला? कहीं ना कहीं आपने डायरेक्टर राइटर और उनकी मेहनत के ऊपर कहीं ना कहीं आपने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कंगना रनावत को सपोर्ट करके। सो इस बारे में मैंने काफी कुछ सोचा, फिर मैंने कुछ एक आर्टिकल्स पढ़े, फिर मैंने काफी सारी चीजें कलेक्ट की, फिर मुझे याद आया, ओ माय गॉड, 2007 में भी तकरीबन ऐसा ही हुआ था। एंड राइटर डायरेक्टर अमोल गुप्ते, अब ये अमोल गुप्ते कौन है शायद नाम से कई लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आपको याद होगा सिंगम 2 में जो बाबा बने थे स्वामी जी, वो है अमोल गुप्ते। कमीने मूवी में भी थे ये विलन के किरदार में, लेकिन ये एक्चुअल में एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग और डायरेक्शन भी करते हैं। इन्होंने बनाई थी फिल्म तारे जमीन पर, आइडिया इनका था, कॉन्सेप्ट इनका था, स्क्रिप्ट कहानी सब इनकी थी, लेकिन ये पूरे क्रेडिट को हाईजैक कर लिया था किसने? बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने। जी हां, आमिर खान को तारे जमीन पर के डायरेक्शन का पूरा क्रेडिट मिला, जिस बात से अमोल गुप्ते साहब को तकलीफ हुई थी। अब क्या भैया, बात ये 2007 की है, December 25 को आई थिंक क्रिसमस के टाइम 2007 में वो मूवी रिलीज हुई थी। एंड तारे जमीन पर नो डाउट आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। ईशान अवस्थी का किरदार और आमिर खान ने जो एक्टिंग की थी, सारे लोग, चाहे वो दर्शील सफारी हो या टिस्का चोपड़ा हो या फिर विपिन शर्मा साहब जो यू नो ईशान के पिताजी का कैरेक्टर था, या आमिर खान खुद, सभी लोगों का किरदार, कैरेक्टर, कहानी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता है और जब भी मूवी आती है तो मैं डेफिनेटली देखता हूँ, क्योंकि दिल को छूने वाली ये कहानी है। तो क्या है कि भैया 2007 में मूवी लगी, 2008 में ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और उस समय क्या था, सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो इतना बात का इश्यू बना नहीं। तो अमोल गुप्ते जो राइटर थे, डायरेक्टर थे, उनकी मेहनत को आमिर खान ने हाईजैक कर लिया था। आज जो लोग क्रिश के सपोर्ट में खड़े हैं, उस समय वही लोग आमिर खान के सपोर्ट में खड़े थे। यहां पर मैं क्लियर कट, साफ साफ शब्दों में डंकी की चोट पर बोलूंगा कि बॉलीवुड अपना दोगलापन अब दिखा रहा है। जिन लोगों ने उस समय आमिर खान को बहुत बड़ा विजनरी, बहुत बड़ा मास्टरमाइंड और यू नो एक सिनेमा का इंडियन पिकासो तक बोल दिया था कि यार आमिर खान ने क्या पिक्चर बनाई है यार, ही इज इंडिया का स्टीवन स्पीलबर्ग, बड़े बड़े टाइटल्स दिए गए थे आमिर खान को। जबकि अमोल गुप्ते जिनकी कहानी थी, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अमोल गुप्ते भाई बाहर से आया हुआ था, भाई आमिर खान इंडस्ट्री का है, नाम के पीछे खान लगा हुआ है, तो भाई खान पावर है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, सफलता की गारंटी है, अगर हम आमिर खान के खिलाफ खड़े हो गए तो हमको काम नहीं मिलेगा यार, इंडस्ट्री में कोई काम देगा नहीं, तो भैया आमिर खान को सपोर्ट करो। अब देखिए, ये बात किसी से कहीं छुपी है नहीं कि आमिर खान अपनी फिल्मों में कितनी दखल अंदाजी करते हैं, एक नहीं कईयों सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां आमिर खान के क्रिएटिव डिफरेंसेस उनकी फिल्मों के डायरेक्टर के साथ हमेशा होते रहे हैं, क्योंकि आमिर खान क्या है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, उनकी फिल्मों में 1-1.5 साल का टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घुस जाते हैं किरदार में और अपने आसपास की चीजों को दुरुस्त करने में बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन इन बातों के ऊपर कोई भी इंसान, स्पेशली इंडस्ट्री का, खुलकर कभी नहीं बोल पाता है, क्यों? क्योंकि आमिर खान है। तो वो लोग जो आमिर खान को यू नो महिमा मंडित करते हैं, आज वो लोग कंगना रनावत को भला बुरा बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो उस समय आमिर खान के साथ थे। तो ये बॉलीवुड का दोगला चेहरा, हिपोक्रेसी वाला चेहरा अपने आप एक्सपोज हो चुका है। आमिर खान करे तो वाह वाह क्या बात है, और कंगना कर दे, अरे क्या है ये, बताओ फुटेज सीकिंग लेडी यार, बताओ डायरेक्टर की मेहनत खा गई। अगर आपको पता नहीं हो तो आपको बता दो, अमोल गुप्ते और उनकी वाइफ ने काफी टाइम बच्चों के साथ यू नो एनजीओ वगैरह में काम किया है, और अमोल गुप्ते ने एज ए डायरेक्टर जो मूवीज बनाई है, तारे जमीन पर का क्रेडिट उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन्होंने उसके बाद हवा हवाई बनाई, बच्चों के साथ बनाई, एंड स्टेनली का डब्बा बनाई, वो भी बच्चों के ऊपर ही बेस्ड थी। तो आमिर खान से ज्यादा नॉलेज था अमोल गुप्ते को बच्चों के नेचर का, बिहेवियर का, इसलिए उन्होंने वो कहानी लिखी और डायरेक्ट की। लेकिन
उसका क्रेडिट पूरा आमिर खान को मिला और लोगों ने आमिर खान को जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किया, बहुत तारीफ है की। लेकिन झांसी की रानी मणिकर्णिका जो कि पिक्चर आधे से ज्यादा बन चुकी थी, वो डायरेक्टर क्रिश बीच में पिक्चर छोड़कर चले गए थे। आज जो लोग कंगना रनावत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि क्रिश बाबू ने तो पिक्चर बीच में ही छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ क्रिएटिव डिफरेंसेस विद कंगना रनावत। तो अब पिक्चर बीच में बंद हो जाए, लाखों करोड़ों लग चुके हैं वो सब मिट्टी में मिल जाए, इससे बेटर है कंगना रनावत ने पिक्चर को टेक ओवर किया और अच्छे से पिक्चर कंप्लीट करके हमारे सामने प्रस्तुत की, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। तो यहां पर ले दे के वही बात आ जाती है कि कंगना रनावत इंडस्ट्री से बाहर की है तो यहां उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वहां आमिर खान इंडस्ट्री की पैदाइश थे तो आमिर खान के सपोर्ट में पूरा का पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो चुका था। वहां अमोल गुप्ते को साइडलाइन करने की पूरी कोशिशें की गई थी, जैसे यहां पर कंगना रनावत के लिए की जा रही हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी एक दो दिन पहले ही आलिया भट्ट का कुछ आया कि उसने यू नो सॉरी बोल दिया है कंगना रनावत को कि यू नो मैं मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी फिल्म का या यू नो सपोर्ट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया। भैया ये कुछ और नहीं है, ये ऊपर के जो उनके बॉस हैं के जो उन्होंने बोला होगा भाई तेरी गली बॉय आ रही है, गली बॉय का प्रमोशन कर, कंगना की वजह से क्या पिक्चर पर निगेटिव इमेज पड़ेगी, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो तू कंगना को सॉरी बोल दे। बॉलीवुड में क्या होता ना कि हर कोई नफा नुकसान देखता है, ये जो स्पेशल एक लॉबी को बिलोंग करने वाले लोग हैं ये बगैर फायदा नफा नुकसान सोचे एक कदम भी नहीं उठाते हैं। तो अगर आलिया भट्ट ने कंगना रनावत को सॉरी बोला है तो ये एक स्ट्रेटेजी के तहत बोला है, उसको ना मणिकर्णिका से मतलब है ना उसको कंगना से मतलब, उसे अपनी पिक्चर की इमेज से मतलब है कि मेरी पिक्चर की इमेज पर असर पड़ेगा। वो लोग जो कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं हो सकता है मेरी फिल्म ना देखें, कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। सो ये कलेक्शन को अच्छा बनाने का एक निंजा टेक्निक था आलिया भट्ट की तरफ से। Anyway, हमारा मुद्दा था दोगलापन बॉलीवुड का, जो कि यहां पर मैंने अच्छे से सामने रख दिया है। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जहां ये बताया गया था कि एक एक्टर डायरेक्टर का क्रेडिट लेके जा रहा है, ऐसी हरकत सरासर गलत है। तो अगर कंगना गलत है तो फिर आमिर खान सही कैसे हो सकता है, है? यहां पर तो कंगना को पिक्चर ऐसी हालत में मिली जब डायरेक्टर जहाज छोड़कर भाग चुका था, तो डूबते जहाज को न सिर्फ उबार कर ऊपर लाई बल्कि अच्छे से किनारे पर भी लगा दिया। तो यहां कंगना के एफर्ट्स को सपोर्ट करने के बजाय लोग उसे क्रिटिसाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री से बाहर की है। अगर यही कंगना इंडस्ट्री के अंदर की होती या कंगना कपूर या कंगना खान होता तो शायद इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। ये जो फारिदून या बॉलीवुड हंगामा के जो रिपोर्टर्स आज क्रिश का इंटरव्यू ले रहे हैं, उस समय अमोल गुप्ते का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, अमोल गुप्ते को सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि सामने आमिर खान का नाम था। फटती है ना भाई बड़े लोगों से पंगा लेने में, तो क्यों लेंगे पंगा, काम भी तो उन्हीं लोगों के संग घूम फिर के तलवे चाट कर करना है। तो तमाम बातों का लबोलवाब यही है कि अगर बॉलीवुड के अंदर के लोग होते, नेपोटिज्म की पैदाइश होती या फिर नाम के पीछे कपूर खान लिखा होता तो कोई पंगा नहीं होता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, सब मामला ठंडा रहता। क्योंकि बंदी इंडस्ट्री से बाहर की है और अपना मुकाम अपना नाम अपने बलबूते बनाया है, तो ऐसे इंसान का बॉलीवुड में आना और यू नो एक ओहदा बना लेना, वो बॉलीवुड की पैदाइश वाले नेपोटिज्म की औलादों को पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए कंगना को नीचे गिराने की हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं। कोई इसे साइको बोल रहा है, कोई इसे पागल बोल रहा है, लेकिन ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो रियल में साइको हैं, जो रियल में ऐसी ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिससे आम इंसानों का बहुत नुकसान हुआ है। वहां सबकी बोलती बंद हो जाती है, मुंह में दही जम जाता है और ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया जाता है। आमिर खान की ही बात करूंगा, सत्यमेव जयते के बाद रूबरू रोशनी लेके आ रहे हैं, दीन दुनिया की बातें करते हैं, वो इक्वालिटी की बात करते हैं अपने शो में, सत्यमेव जयते में बहुत बातें की इक्वालिटी की, लेकिन उनके घर में ही इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी और लोगों का दर्द इतना ही अगर उन्हें यू नो कदर होती दर्द की, तो अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दे देते। जो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लो और बच्चा भी हो जाए, वो इक्वालिटी की बात करता है तो बड़ी हंसी आती है। ये बॉलीवुड वालों की कतनी करनी है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो भैया यही चलता है बॉलीवुड में और यही चीजें आगे चलती रहेंगी। इन्हीं चीजों के खिलाफ कंगना रनावत खड़ी हुई है तो उसे साइको पागल करार दिया जा रहा है। दुनिया का दस्तूर भैया कलयुग यही तो है, यहां सच बोलने वालों को कर दिया जाता है दरकिनार, उनका करते हैं शिकार, और झूठ बोलने वाले मक्कारों को पहनाया जाता है फूलों का हार। तो भैया इस नोट के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। आपको अगर हमारी बातें सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कीजिएगा डीएसके डॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।